नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको घुमाने लाया हूँ सीताबाड़ी के अंदर, जो कि केलवाड़ा के अंदर स्थित है। दोस्तों ये बारा जिला में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप बारा जिला आना चाह रहे हैं तो सीताबाड़ी का मंदिर जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीताबाड़ी के दर्शन कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, लाइक नहीं कराया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ सीताबाड़ी, जो कि दोस्तों यहाँ से आपको देख सकते हैं कोटा से जो इसकी दूरी है वो 120 किलोमीटर है, और 12 से लगभग इसकी जो दूरी है वह दोस्तों तकरीबन 45 से 46 किलोमीटर के समथिंग है। तो नज़दीक में ही है, और ये बारा जिला के सहरगढ़ तहसील के केलवाड़ा गाँव में स्थित है सीताबाड़ी, जहाँ आज मैं आपको घुमाने लाया हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और इसका पूरा हिस्ट्री एंड इतिहास भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं सीताबाड़ी, जो कि दोस्तों इसका पहले हिस्ट्री एंड इतिहास मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसके अगर दूरी की बात करी जाए तो ये कोटा से लगभग 120 किलोमीटर और 12 जिला से लगभग ये 45 किलोमीटर के समथिंग दूरी पर स्थित है। ये शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव में स्थित है, केलवाड़ा के नज़दीक में सीताबाड़ी नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें एक मेला भी भरता है जो कि सेरिया जनजाति के कुंभ मेले के नाम से प्रख्यात है, काफ़ी फेमस जगह है, और यहाँ पर काफ़ी सेरिया जनजाति के काफ़ी व्यक्ति यहाँ पर आते रहते हैं, और तकरीबन सेरिया ही क्या सभी जनजाति से भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको सीताबाड़ी लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी फेमस जगह है बारा जिला की। तो चलिए आज के इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर इसका इतिहास एंड हिस्ट्री की बात करी जाए कि क्या इतिहास है अगर उसकी बात करी जाए, तो चलिए पहले मैं आपको वहां ले चलता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये यहां पर आ सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं यहां पर, और दोस्तों यहां पर एक ये देख सकते हैं कि श्री लक्ष्मण जी महाराज का यहाँ पर मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कुंड भी है जिसे लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्यों प्रख्यात है, क्योंकि जब सीता जी का श्री राम जी ने परित्याग कर दिया था, उसके बाद में लक्ष्मण जी उनको यहाँ पर छोड़ने आए थे, तो यहाँ वाल्मीकि जी के वहाँ छोड़ने आए थे, तो यहाँ पर जब सीता जी को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक कुंड का निर्माण किया, एक जलधारा निकाली, जिस जलधारा को उससे कुंड का निर्माण हुआ, और आज जो कुंड यहाँ पर प्रख्यात विकसित है इस कुंड को लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सूर्य कुंड, काफ़ी कुंड देखने को मिलेंगे, प्रख्यात मंदिर भी देखने को मिलेंगे। जिस मंदिर में मैं आपको लेकर आया हूँ ये लक्ष्मण जी का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सीताबाड़ी में आपको काफ़ी मंदिर, काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये श्री लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ इस टाइप का मंदिर है, और ये सामने की ओर ये कुंड है जिसे लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ का जो व्यू है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों लगभग सूर्यास्त का टाइम है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ सीताबाड़ी लाया था, जो आप इस वीडियो में देख रहे हो ये मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आज मैं आपको सीताबाड़ी के दर्शन कराने लाया हूँ। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम की रहती है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ का जो व्यू है वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। अगर बात करी जाए बाहर यहाँ पर कितने कुंड हैं, लगभग मैं कुछ जगह आपको घुमाने वाला हूँ, वहाँ के व्यू एंड नज़ारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप हमारी ये वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं, हम आगे का व्यू बताते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीताबाड़ी लाया हूँ। तो आज हम सीताबाड़ी के अंदर हैं, और दोस्तों ये भी यहाँ पर मैं ट्रैवलिंग कर मतलब घूम रहा हूँ। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आई होप अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं जो किसी ना किसी तरह से आपके काम आती है, आपको फ़ायदेमंद रहती है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। तो ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से हमें यहाँ का व्यू देखने को मिलता है। काफी सुनहरा व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी तगड़ा एरिया ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगभग मेरे के टाइम पे काफी ज्यादा जनसंख्या रहती है, उस समय जब आप आएंगे तो इस टाइप से आपको नजारे नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि उस समय काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ से अभी हम बैक निकल रहे हैं और आगे की ओर चलते हैं और आगे का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आगे का व्यू एंड नज़ारा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये श्री राम मंदिर है जो कि यहाँ पर सीताकुंड आपको देखने को मिलेगा। श्री राम मंदिर एवं सीताकुंड वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अंदर की ओर अभी हम चलते हैं और अंदर चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कुंड कुछ इस टाइप से रहेगा। मंदिर का जो व्यू है वो भी उधर देखने को मिलने वाला है, मुख भी, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी हमने काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पर बना लिए, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देख सकते हैं कि ये श्री राम जी का मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता आपको देखने को मिल रही है इस मंदिर के अंदर। तो दोस्तों यहां से अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये बाहर का व्यू है कि बाहर की तरफ एक और मंदिर है। ये मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से है जो कि शिव पार्वती एवं शिव मंदिर एवं कुंड है। यहाँ पर कुंड सभी जगह बने हुए हैं, चाहे देख सकते हैं लक्ष्मण, देखिए श्री लक्ष्मण जी लवकुश का ये मंदिर है। तो लवकुश मंदिर सीताबाड़ी के अंदर जो स्थित है इसके अंदर भी आपको कुंड देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सभी जगह पर यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं। अलग अलग तरह से यहाँ सभी जगह आपको कुंड देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आपको कुंड देखने को मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ बाहर की ओर ये कुंड है और अंदर आपको ये मंदिर देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहीं पर जो लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर इनका पालन पोषण हुआ है, लक्ष्मण मतलब इसका लवकुश का, और इसीलिए इसको लवकुश नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों लवकुश का जो जन्म स्थली है या जन्म माना जाता है, इसी जगह का माना जाता है, ऐसा कहा जाता है काफ़ी वेबसाइट्स के माध्यम से, आप देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो इसीलिए इस जगह को लवकुश की नगरी के नाम से भी जाना जाता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। श्री सीताबाड़ी या लवकुश नगरी एक ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो राजस्थान के बारा जिला के शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गाँव में सीताबाड़ी जगह पर प्रख्यात स्थित है। दोस्तों ये कुछ टाइप की हिस्ट्री रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, आज का इस ब्लॉग को खत्म करते हैं यहीं।